इंडिया में एक बात पक्की है कि लोगों का सेविंग्स को लेके एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और अब आज की डेट में लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स की बास्केट में म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि आज से 10 साल पहले बिल्कुल नहीं था। ये ऐसा माहौल जो चेंज हुआ है, यहाँ पे हमारे यंग पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है अपने पेरेंट्स को दबदबा में लेके आने का। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे जो पेरेंट्स थे वो रियल एस्टेट, गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हैवीली इन्वेस्टेड थे, और 10 साल के टाइम पीरियड में ये यंगर पॉपुलेशन ने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने पेरेंट्स के अंदर ये माइंडसेट चेंज लेके आए हैं, और ये ऐसा कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया है। अब आप छोटी सी बात सोचिए कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेविंग्स की जो बास्केट है वो बहुत बड़ी होने वाली है। यहाँ पे फाइनेंशियल सेविंग्स के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आएगा, जहां पे आप इंडिया की लीडिंग म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज के अंदर एक पढ़ाई पे लगाएं कंपनियां, और आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका धंधा तो अभी भी बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा धंधा बन सकता है अगले 10 साल के टाइम पीरियड में। क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के अंदर आज की डेट में एक ही चीज है, सिप शुरू करो, तूने सिप शुरू करी है, तूने शुरू करी है। जिस जिसने सिप नहीं शुरू करी वो आज की डेट में पेयर प्रेशर में आके सिप शुरू कर रहा है अपनी म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री के अंदर अपनी एंट्री लेने के लिए। ये एक ऐसा माहौल है जहां पे ना स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जहां पे डोमेस्टिक फ्लोस का इतना बड़ा बहुबल है कि हमें आज की डेट में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फॉरेन एफआईआई जब जब सेल कर रहा है, इंडिया की मार्केट के अंदर ऐसा डाउनफॉल नहीं आ रहा जो कि पहले आता था। क्यों? आज की डेट की हम अगर बात करें तो डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग हैं बिकॉज ऑफ सिप, कि इंडिया की फॉल के अंदर हर फॉल को बाय किया जा रहा है इस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से। इस पूरी थीम पे अगर आपको बेट लेना है तो आपके दिमाग में एक कंपनी होनी चाहिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी। आप ये सोचिए, ये कंपनी एक ऐसा काम कर रही है कि पहली बात तो इनके पेरेंट की बात करें, एचडीएफसी ग्रुप से ये कंपनी आई है। इनका ना सिंपल सा एक ही मैंडेट है, काम अगर करना है ना तो टॉप 3 में रहना, नहीं तो वो काम ही करना। ये थ्योरी इनकी इतनी तगड़ी चल रही है कि ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो टॉप 3 पे ही काम करते हैं, चौथे में तो इनको मजा ही नहीं आता क्योंकि आदत बन चुकी है एग्रेसिव काम करने की। सिंपल सी बात सोचिए, क्वार्टर 1 के अंदर कंपनी का जब रिजल्ट आया है वहां पे कंपनी ने अपने क्या बढ़िया नंबर दिखाए हैं। एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का 26% से पैट इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन पे। ये नंबर से ज्यादा मेरा एक और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जिसको केपीआई कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नजर थी वो था इक्विटी ओरिएंटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर कंपनी का आज की डेट में मार्केट शेयर है 12.9%, जो कि लास्ट ईयर था 12.1%। इतने बड़े कंपटीशन में जहां पे हर टाइम कोई ना कोई म्यूचुअल फंड अपना नया फंड लेके आ रहा है, वहां पे एचडीएफसी ने अपनी लीडरशिप पोजीशन को और स्ट्रांग करके प्रूव किया है। यहां पे ना इनका बहुबला रहने वाला आने वाले फ्यूचर में भी। क्यों? पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका इतना स्ट्रांग है बैंकिंग सेक्टर के अंदर कि यहां पे इनके पास बैंकिंग सेक्टर के कस्टमर्स अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, प्लस डिजिटल लैंडस्केप के अंदर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है वहां पे भी इनकी इजी सेलिंग होती है, जिसकी वजह से आप अगर नोटिस करेंगे इनके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आज की डेट में बहुत बड़ा नंबर बन चुका है। मोर देन 10 मिलियन से ऊपर का नंबर पे आज कंपनी खड़ी हुई है, और यहां पे आपको ये देखना है कि इनका ऑपरेशन काम के अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन है मोर देन 45% का। ये एक ऐसा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जहां पे आपका जितना बड़ा बिजनेस बड़ा होगा उतना बड़ा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आपका कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं चाहिए अपना काम बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक फंड मैनेजर आज 1 लाख करोड़ का फंड संभाल रहा है या 2 लाख करोड़ का फंड संभाल रहा है, उसकी एक्सपर्टीज तो 10,000 करोड़ के फंड पे भी सेम थी।
ये चीजों पे फोकस करिए, आपको गेम समझ में आ जाएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कैसे चलती है। ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप हर सेक्टर के अंदर लीडर पे ही बैठ कर लें अगले 10 साल के लिए, तो शायद आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे, हर 6 महीने 3 महीने के टाइम पीरियड में एक बारी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देख लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिए, अपने आप आपका माइंड फ्रेम शेयर बाजार की तरफ थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। प्राइजेस के अलावा आप कंपनियों के धंधों में जाना शुरू कर दीजिए कि ये धंधा चलाते कैसे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि HDFC म्यूचुअल फंड AMC का धंधा क्या है, कैसे वो काम करते हैं, क्या मार्केट शेयर है, क्या इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर है, तब आपको समझ में आएगा कि HDFC का ब्रेन चाइल्ड कैसे काम करता है किसी धंधे में काम अगर वो एंट्री लेते हैं। इतना करिए और मुझे बताइए अगर कोई क्वेरी हो। थैंक यू।